फ्रेंड्स, चलिए एक छोटा सा टॉपिक है खलील दिलामा, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा बस छोटा सा है, इसे आप भी पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन बता देती हूँ क्या क्या उसमें होता है, ठीक है। विक्रम और वेताल को तो आप जानते हैं, वेताल जो क्वेश्चन करता है फिर विक्रम को आंसर देना रहता है, दोनों दोस्त रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया, अब देखिए जो सिटी है बेरत सिटी है, जिसमें खलील नाम का एक आदमी रहता है। उसके जो पेरेंट्स हैं वो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उसके पापा जो रहते हैं वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन रहते हैं, जबकि मम्मी जो रहती हैं वो सुन्नी मुस्लिम रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है हमेशा की तरह अनकॉमन मॉडर्न चलता हुआ आ रहा है। और क्या, जो लोग रहते हैं वो अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जो कि लेबनान जो कंट्री का नाम है, मतलब लेबनान कंट्री में रहते हैं। और लेबनान से जो है वो उसके कैपिटल में आ जाता है, लेबनान स्टेट हो या फिर कंट्री हो, डेट इज़ नॉट मैटर, वो लेबनान में रहते हैं। और लेबनान से जो जो डिफरेंट पीपल रहते हैं वो आप जो उसके कैपिटल बेरत में आ जाते हैं, ठीक है। वो सब एक साथ रहते हैं, लेकिन अचानक से जो है सिविल वॉर हो जाता है। सिविल वॉर में जो है खलील के अंकल होते हैं वो मारे जाते हैं। जब वॉर ख़त्म हो जाता है तो जो लेबनान के लीडर्स होते हैं वो एकजुट होते हैं और क्या करते हैं, सोचते हैं कि जो पावर है उसको शेयर कर दिया जाए अलग अलग पीपल्स में। तो क्या करते हैं, देखिए कर देते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जो है कैथोलिक क्रिश्चियन के होंगे, मतलब कैथोलिक क्रिश्चियन के जो कम्युनिटी के लोग हैं वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो सुन्नी मुस्लिम होंगे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होंगे, जबकि स्पीकर जो है सही मुस्लिम होंगे। इस पैक्ट के अंदर जो है अब जो है वो क्रिश्चियन कहते हैं कि अब हम फ्रेंच से प्रोडक्शन अब नहीं लेंगे, मुस्लिम कहते हैं कि अब हम भी जो है अपनी नेबरिंग कंट्रीज जो सारी है उसके पास नहीं जाएंगे प्रोटेक्शन या यूनिफिकेशन के लिए। फिर क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो क्रिश्चियन और मुस्लिम थे जब ये शेयरिंग हुआ था, पावर शेयरिंग, तो दोनों इक्वल पॉपुलेशन में थे, लेकिन अब जो है मुस्लिम जो है मेजोरिटी में है। खलील को जो है ये सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो इसे बिल्कुल भी एग्री नहीं है। उसका भी एम है कि वो जाके आगे जो है कुछ अच्छा करे, कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है उसका, मतलब अच्छा एक पॉलिटिकल अपने देश के लिए कुछ करे। वो चाहता है कि वो प्रेसिडेंट बन जाए, मतलब हाई पोस्ट पे रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मम्मी जो है सुन्नी मुस्लिम है, यानी उसको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट मिल सकती है, या उसके जो पापा हैं वो आपके ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन या फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट उसको मिल सकती है, प्रेसिडेंट की पोस्ट उसको नहीं मिल सकती, इसलिए वो इससे एग्री नहीं होता है। वो सोचता है कि क्यों नहीं हमारे कंट्री में भी, जैसे अलग कंट्री में डेमोक्रेसी है कि जो मैक्सिमम सीट मैक्सिमम वोट जिसको मिलेगा वो जीत जाएगा, ऐसा क्यों नहीं हमारे कंट्री में, ये सब सोचता है। यही सब क्वेश्चन जो अपने बड़ों से पूछता है, तो उसके बड़े भी यही आंसर देते हैं कि नहीं बेटा ये जैसा भी है ये सिस्टम सही है, शांति के लिए सही है। तो क्या होता है, अब जब तक कहानी अभी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन जहाँ विक्रम को रुकना रहता है वो स्टॉप उसका आ जाता है। फिर जो क्वेश्चन है यहाँ पे है वो आपसे पूछा गया है कि अगर आप लेबाना के रूलर रहते तो आप कैसे पावर को रीराइट करते हैं, क्या क्या अडॉप्ट करते हैं, जैसा खलील कह रहा है वैसा करते हैं। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो आप लिखिएगा, मतलब आपको जो सही लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो थी एक स्टोरी थी, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।